हाय भगवान, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ उन पर बात करने वाले हैं कि आप लोग जान सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा आप लोग जान सकते हैं वोटर आईडी कार्ड जिनके इनके पास है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले जैसे आप लोग को वोटर आईडी कार्ड भी आप लोग को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। जी, आप लोग देख सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड भी आप लोग को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा और यहाँ से आप लोग को वोटर आईडी कार्ड नंबर आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा। जान सकते हैं कि आप लोग को पैन कार्ड तो आप लोग को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ता था, उस समय आप लोग को वोटर आईडी कार्ड आप लोग को लिंक नहीं करना पड़ता था आप लोग को आधार कार्ड से। और आप लोग जान सकते हैं कि 2022 में नियम आ गया है कि आप लोग को वोटर आईडी कार्ड आप लोग को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। और आप लोग बोलिएगा कि क्यों लिंक करवाना है, सबसे बड़ी नहीं है, काफ़ी सारे लोग तो रह रहे हैं गाँव में और कहीं दूर में कहीं वो रह रहे हैं तो वहाँ का भी आप लोग वोटर आईडी कार्ड बनवाए हुए हैं तो दोनों जगह वोट जाते हैं, इससे नियम आप लोग को नहीं चलेगा। आप लोग जान सकते हैं 2024 में इलेक्शन आने वाला है, एक ही जगह आप लोग को वोटर आईडी कार्ड में एक ही जगह आप लोग को नाम रहेगा और एक ही जगह आधार लिंक होगा। जान सकते हैं अगर आप लोग बाहर रह रहे हैं, अगर आप बाहर में आप लोग लिंक करा लीजिएगा तो आप लोग को गांव में आप लोग को नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जान चाहिए इसी कारण से आप लोग को कैसे कैसे आप लोग को लिंक करना है। आप लोग को जान सकते हैं कि लिंक करने के लिए आप लोग कंप्यूटर से भी लिंक करा सकते हैं या आप खुद से भी आप लोग मोबाइल से भी आप लोग लिंक कर सकते हैं। मोबाइल से लिंक करने के लिए आप लोग देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड का एक अप्लीकेशन आता है जो आप लोग को हम आगे आप लोग बताएंगे, जो आप लोग को अप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप लोग जाकर आप लोग वो अप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फोन में तो आप लोग खुद से भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड लिंक कर सकते हैं। मगर आप लोग जान सकते हैं आप लोग को वो लिंक करने के लिए आप लोग खुद से लिंक करते हैं तो आप लोग ए टू जेड प्रोसेस को इस वीडियो में आप लोग को ए टू जेड सेटअप बाय सेटअप आप लोग को देखना पड़ेगा तभी आप लोग ए टू जेड आप लोग को लिंक कर पाइएगा, अन्यथा आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा। जान सकते हैं एक मिस्टेक के कारण आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा, इसी कारण से आप लोग जान जाइए। अभी तक जान सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने में आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को आधार नंबर और वोटर आईडी कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर आप लोग को लगेगा, उसी से आप लोग को लिंक करा लीजिएगा। जी, उसी से आप लोग को लिंक हो जाएगा। चलिए आप लोग को हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग को इसका आप लोग को कैसे कैसे आप लोग को लिंक करना है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले आप लोग को वोटर आईडी कार्ड लिंक करने के लिए आप लोग को सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर आप लोग को जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर आप लोग को जाने के बाद आप लोग को टाइप करना पड़ेगा सिर्फ वोटर, आप लोग टाइप कीजिएगा तो वोटर हेल्पलाइन आप लोग को जान सकते हैं कि वोटर हेल्पलाइन जिसमें आप लोग को देख सकते हैं कि 17 MB का ये है, इसका आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल है, अपडेट मांग रहा है तो यानी हमारा फ़ोन में इंस्टॉल है। चलिए हम फोन पर आप लोग को चलते हैं, आप लोग को डायरेक्ट इसका खोल कर आप लोग को बताए थे, यही इसका आप लोग को यही जान सकते हैं, इसी से आप लोग वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड का आप लोग लिंक कर सकते हैं। जी, आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देख सक लीजिए कि वोटर हेल्पलाइन आप लोग को इस पर हम आ गए हैं। आप लोग को सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहली बात जान जाइए कि वोटर रजिस्ट्रेशन पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं इलेक्ट्रॉल एथोराइजेशन फॉर्म 6B, जब से जानिए इलेक्ट्रॉन एथोराइजेशन फॉर्म 6B, इस पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को गेट स्टार्ट पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, गेट स्टार्ट पर हम जैसे क्लिक करना है उसके बाद आप लोग को जो आप लोग को मोबाइल नंबर आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को OTP फिलअप करना पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग को लॉगिन हो पाइएगा। चलिए हम मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए चलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को सेंड OTP पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करते हैं आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को OTP आप लोग को मोबाइल पर आप लोग को भेज दिया जाएगा। आप लोग को वही OTP पर आप लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP आने के बाद आप लोग को वेरीफाई पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक कर लिए उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को यस आई हैव वोटर आईडी कार्ड नंबर, देख सकते हैं नो आई डोंट आई हैव वोटर आईडी कार्ड नंबर, यानी इसका मतलब हो गया आपके आप लोग को वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसका मतलब हो गया कि आप लोग को वोटर आईडी कार्ड है। इस पर आप लोग को यस पर आप लोग क्लिक करना रहने देना है, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक किया जाए तो आप लोग को जो वोटर आईडी कार्ड का आप लोग को नंबर होगा वो इसमें आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को स्टेट फिलअप करना पड़ेगा। चलिए हम वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले हम फिलअप कर लेते हैं, कर रहे हैं। फिलअप करने के बाद आप लोग को स्टेट चूज करना है, उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं कि फैच डिटेल्स पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, फैच डिटेल्स पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं फैच डिटेल्स पर हम क्लिक कर लिए। फैच डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप लोग को प्रोसीड पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसीड पर आप लोग को जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को देख सकते हैं कि उनका आप लोग को A to Z उनका डाटा शो हो जाएगा। डाटा शो होने के बाद आप लोग को नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अब डाटा शो हो जाएगा उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को आधार डिटेल्स आप लोग को फिलअप कर लेना है।
इस पर आप लोग को क्लिक करना नहीं है, जान सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को अपलोड करने के लिए बोलेगा, इससे आप लोग को नहीं छेड़छाड़ करना है। आप लोग को ये सिंपल तरीका से आप लोग को बताया था कि आप लोग को कैसे लिंक करना है। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है। चलिए हम आधार नंबर फिलअप करके आप लोग को हम आगे बता देते हैं। जैसे आप आधार नंबर फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को ईमेल आईडी फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को प्लेस ऑफ अप्लीकेशन यानी आपका शहर जो आपका गाँव होगा वो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। चलिए हम उसको फिलअप करने के बाद आप लोग को हम आगे आप लोग को बता देते हैं। डाउन पर क्लिक करें तो आप लोग को देख सकते हैं कि फॉर्म 6B का आप लोग को प्रीव्यू आ गया है। जी 6B का यहाँ पर आपको प्रीव्यू आ गया है। उसके बाद आप लोग कॉन्फर्म पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा, यानी आप लोग इसको चाहे तब मिला सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आप लोग आधार नंबर और आप लोग IMR नंबर भी आप लोग मिला लीजिए। सबसे बड़ी बात है आप लोग को आधार नंबर आप लोग को मिला लेना है। चलिए हम आधार नंबर मिलाने के बाद आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को कन्फर्म पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को देख सकते हैं कि थैंक यू का मैसेज आ गया है। देख सकते हैं कि योर अप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुल और डेट आ गया, और योर रेफरेंस ID भी यहाँ पर आप लोग को शो हो गया, यानी आपका आधार कार्ड से वोटर आई डी कार्ड लिंक हो गया है। आप लोगों ने वीडियो में देख लिए हैं कि आप लोग को वोटर आईडी कार्ड से आप लोग को आधार कार्ड कैसे कैसे आप लोग को लिंक किए हैं। आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को देख लिए हैं कि आप लोग को वोटर आईडी कार्ड आप लोग को आधार कार्ड से कैसे कैसे लिंक करना है। आप लोग को मेरे जो प्रोफाइल इस वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग कुछ भी दिक्कत होता है, हमारी परेशानी होता है, तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। हम लोग को पूरा सोल्यूशन करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप लोग कुछ भी पूछना है तो या हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।